हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th और 12th के जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हो उनके बारे में। गाइस, आप लोग जब फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपको कुछ इश्यूज आ रहा होगा, भले ही आप सेकंड कंपार्टमेंट के लिए फिल कर रहे हो या इंप्रूवमेंट के लिए या आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए या एज अ फेलियर फिल कर रहे हो, तो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए बात करेंगे। जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड का इशू आ रहा है या 7 डिजिट ही एक्सेप्ट कर रहा है, 8 डिजिट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इन सबके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। या आपके सब्जेक्ट चूज नहीं हो रहा होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड साथ साथ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या इशू है सीबीएसई की तरफ से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आप फेलियर के तरीके फॉर्म फिल करते हैं, जो 2020 बच्चे थे फेलियर के तरीके फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहां पे आप 7 डिजिट ही एक्सेप्ट हो रहा था अभी तक, ठीक है। तो अब ये इश्यू सॉल्व हो चुका है, सीबीएसई अब ये चीज पे काम कर लिया है, अब 8 डिजिट एक्सेप्ट हो रहे हैं, अब आसानी से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस बारे में जाके आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है, जैसे मैंने प्रोसीजर बता रखा पहले वीडियो में वैसे ही आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं जिन बच्चों के सब्जेक्ट इशू, वहाँ पे सब्जेक्ट जो है मिल ही नहीं रहा, सब्जेक्ट चूज करने के लिए जैसे फॉर्म फिल करके जा रहे हो, सबमिट कर रहे हो, तो कह रहे हैं सेलेक्ट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो जब ऐसा इशू आ रहा है तो उसके लिए सीबीएसई से बात हो रही है, वो बहुत ही जल्दी जो है वो सॉल्व हो जाएगा इशू। एंड अब बात करते हैं कि जब आप लोग, जैसे कि कुछ इशू इस वजह से आ रहा है कि जब आप लोग डाटा फिल कर रहे हो तो आप गलत डाटा फिल कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ पर आपको ध्यान दे के फॉर्म फिल करना, जैसे अगर आप एडिशनल जैसे कंपार्टमेंट आपका रिजल्ट पास है, ठीक है, तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम तो दे नहीं सकते अगर रिजल्ट पे पास लिखा है, तो भले ही आप एक सब्जेक्ट में 8 ही लगाए, तो अब आप केवल इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो, तो आप इंप्रूवमेंट कैटेगरी में जाओ। जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट्स में फेल कर रहे हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए जब अप्लाई करोगे आप, तो आप एक साथ एडिशनल सब्जेक्ट्स और कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट दोनों नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट का अप्लाई करो तो 19 के पहले वाले बच्चे ही एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हो एडिशनल में जो आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं करता, जैसे कि केमिस्ट्री नहीं ले सकते, फिजिक्स नहीं ले सकते, बायोलॉजी नहीं ले सकते, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होता उस सब्जेक्ट्स को आप ले सकते हो। अब बात करते हैं कि जो आप लोग इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल के भी पैसे देने पड़ रहे हैं, 150 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, या जो भी चीज़ फिल कर रहे हो फॉर्म, तो उसमें 150 रुपये ऐड होके आ रहा है जब प्राइस आप लोग पेमेंट करने जा रहे हो। तो ये एक इशू नहीं है, सीबीएसई ने मेंशन किया उनके सर्कुलर में कि वे लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेके आपने पीछे प्रैक्टिकल पास कर लिया या था या आप फेल हो गए थे, फिर भी वे प्रैक्टिकल्स के लिए पैसे ले रहे हैं। तो अभी ये प्रैक्टिकल कंडक्ट कराएंगे या पीछे के मार्क्स को ये रिट्रीव करने के लिए ऐसा पैसे ले रहे हैं, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसके बारे में मैं कंफर्म सीबीएसई से बात करूंगा एंड देन आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं कुछ टीचरों से भी बात कर रहा हूँ इसके बारे में कि क्या डिटेल्स है, यहाँ पे एक वीडियो आ जाएगा प्रैक्टिकल्स को लेके कि क्या है एक्चुअल में इशू, क्यों पैसे ले रहे हैं, इवन आप लोग पीछे प्रैक्टिकल में पास हो गए थे जो कि अभी ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, जो पहले हुआ करता था, अभी क्या है, या तो रिट्रीव करने के लिए नंबर रिट्रीव करने के लिए ले रहे हैं पैसे या किस तरह का ले रहे हैं, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। गाइस, जिसका भी फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में से जिस भी बच्चे का फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, उन सारे बच्चों को थोड़ा सा धैर्य रखो, आराम से फिल हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा दिन है, 11 नवंबर को लास्ट डेट है, उसके बाद से एक हफ्ता आपके लेट फीस के साथ सबमिट करना है, तो आप 11 नवंबर से ही पहले, जो लेट फीस नहीं मैं रिकमेंड करूंगा, 11 नवंबर से पहले ही आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे हर एक तरह का इशू आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, इवन कैसे भी हो, आपके पास अगर एडमिट कार्ड नहीं है या कुछ भी इशू है तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी अलग तरह का आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। एंड जिन बच्चों का रिकॉर्ड नॉट फाउंड का इशू आ रहा है, तो आप प्लीज़ जो है डाटा अपना फिल कर रहे हो, तो डाटा आपका ठीक से फिल करो, ठीक है। तो डाटा जब वहाँ पे डाल रहे हो, जैसे मान लो दो दो बार आपने मेन एग्जाम दे रखा है सीबीएसई का मार्च वाला, तो आपको सबसे पहला वाला डाटा वहाँ पे फिल करना है, तो आपका इशू नहीं आएगा, ठीक है। होप सो आपको मैंने समझा पाया। कुछ बच्चों के इशू है, क्या स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं? सीबीएसई हर एक चीज़ जो है आपका ऑटो जनरेट कर रहा है। ऑटो जनरेट मतलब ये कि आपने पहले से जो एग्जाम दे रखा है उसी की तरह का डाटा आपको दे रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते, अपने पास से सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते, अपने पास से सब्जेक्ट रिमूव नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए कि जो बच्चे प्राइवेट या इंप्रूवमेंट के तरीके फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर वे चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा सकते हैं, बट मेन 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं, बट और बाकी चीज़ें नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। फिर भी किसी तरह का इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं पक्का से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो भी बच्चे इंस्टाग्राम पे मेरे को पूछ रहे थे क्वेश्चन सारे चीज़ें, आप लोग को मैं बता दूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा हो, ठीक है,
आपको अकेले हो, आप अकेले मुझे मैसेज करते हो, बट मैं रिप्लाई करने के लिए अकेले हूँ बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, सबको कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, तो अगर आपका रिप्लाई लेट जाता है आपको, तो बिल्कुल आप उस पर नर्वस ना हो, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा आपको। लेकिन इंस्टाग्राम को आप अवॉइड करके आप यहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं सबसे पहले प्रेफर करूंगा कमेंट सेक्शन को रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।